Hey everyone, my name is Karan and welcome back to my page again. And thank you for your kind support and all of you had supported me a lot. And thank you for that. And okay, there's a new topic there are a few things that we want to discuss over here. So let's begin. So सबसे पहली first चीज़ ये है कि girls का 20% reservation. तो इससे बहुत सारे बच्चे नाराज़ हो गए, boys especially. तो देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज़ होती है तो उसको आपको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है ना. तो अगर देखिए 20% रिजर्वेशन जब कहा गया है तो ऐसा नहीं है किसी के साथ अनफेयर हुआ है, या आप लड़कों को लग रहा है, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको लग रहा है कि यार गर्ल्स को भी रिजर्वेशन हो गया, एससी को भी रिजर्वेशन, ओबीसी को भी रिजर्वेशन एंड देन द जनरल कैंडिडेट्स की परेशान हो. ऐसा कुछ नहीं है. देखिए, गर्ल्स का जो रिजर्वेशन है वो 20% हुआ है, उसको सुपर न्यूमररी सीट्स अब के तहत उनको 20% का एडिशनल रिजर्वेशन हुआ है. सुपर न्यूमररी जो सीट्स होती हैं उसमें क्या होता था, पहले जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते थे उनको उन सीट्स पे एडमिशन मिलता था, राइट. तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उन सीट्स पे गर्ल्स कैंडिडेट को भी उसी सीट्स पे रिजर्वेशन दिया हुआ है ना. तो 20% का इस समय, पिछले साल 17% था, इस साल 20% है. ये हो गई पहली चीज़. दूसरा, इससे कोई मेल्स अदर कैंडिडेट्स को कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो सीट्स हैं गाइस, ये बिल्कुल गवर्नमेंट ने अलग से ही, मतलब 20% मतलब अगर आप मान लीजिए 10,000 अपन मान के चलते हैं, तो 2,000 सीट्स के आसपास लगभग गवर्नमेंट इस साल बढ़ाएगी, और जो सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए होगी. तो गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए अच्छी बात है कि 2,000 सीट्स जो है उनके लिए अलग से बढ़ी हुई है, लेकिन इससे ऐसा कुछ नहीं है कि जो रेस्ट ऑफ द सीट्स है उस पर कोई इफेक्ट आने वाला है, या किसी की सीट्स कटने वाली है, या कट ऑफ में कोई इफेक्ट आने वाला है. सिंपल सी बात है, जो गर्ल्स कैंडिडेट्स है उनको इसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो किसी और का हक नहीं छीन रहे हैं. सब सिंपल और बहुत क्लियर सी बात ये है. अब देखिए, इसके पीछे रीज़न क्या है. रीज़न देखिए कुछ दो, एक बेसिक, सबसे बेसिक रीज़न ये है कि गर्ल्स कैंडिडेट्स का सिर्फ और सिर्फ मेडिकल की तरफ जाना है ना. तो गवर्नमेंट ने ये देखा है कि जो गर्ल्स कैंडिडेट्स है, इवन जो पेरेंट्स हैं वो अपने गर्ल चाइल्ड अगर है उनकी, तो उसको वो सोचते हैं कि मेडिकल में जाए. इंजीनियरिंग में उनको लगता है कि बहुत सारा वर्कलोड जो है, और है भी सही, मैकेनिकल, अगर आप मैकेनिकल की बात करो, सिविल की इंजीनियरिंग की बात करो, कहा जाए कि मतलब अगर हार्ड वर्क कहेंगे तो गलत होगा, मतलब एक थोड़ा सा फील्ड वर्क ज़्यादा है. फील्ड वर्क इसे कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, गर्ल्स भी बॉयज़ भी, तो फील्ड वर्क थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है, तो गर्ल्स भी प्रेफर करती हैं कि इसकी तरफ जाना जाए. तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 20% का रिजर्वेशन इसलिए उन्हें दिया हुआ है, और इसमें कोई बुराई नहीं है. मुझे लगता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बिल्कुल अच्छा है, और इनिशिएटिव भी है गवर्नमेंट का, तो उसके अंदर अगर ये चीज़ें हो रही हैं, गर्ल्स को अगर रिजर्वेशन मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा है. इससे गर्ल्स को मोटिवेशन मिलेगा ताकि इंजीनियरिंग फील्ड में और गर्ल्स आपको देखने को मिलें. पहली चीज़ तो ये हो गई आज की. दूसरी चीज़ क्या है, इसमें अपना एक, जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया हुआ है अपना कंपार्टमेंट का, उनका रिजल्ट भी कुछ 10 अक्टूबर को आने वाला है, तो वो भी वेट कर रहे हैं. तो 10 अक्टूबर की डेट रखी गई है, और 10 तारीख को उन स्टूडेंट्स का कंपार्टमेंट का भी रिज़ल्ट आने वाला है. इसके अलावा कुछ ओलंपियाड्स की भी डेट आ गई है. KVPA का रजिस्ट्रेशन लगभग चल रहा है, करना है तो आप लोग कर लीजिए. इसके अलावा एक ओलंपियाड है NSE, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में होता है. बहुत ही रेपूटेड एग्ज़ाम है, इसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे.